हेलो गाइस, वेलकम टू ईवी सर्विस। मैं हूँ विकास, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे। आज मैं एम्पियर मैग्नस मॉडल का, जो एक इलेक्ट्रिक स्कूटर है, उसके हॉल सेंसर का जो इंडिकेटर व्हीकल में आता है, उसके रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन मैं आज बता रहा हूँ। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे हॉल सेंसर मार्क ऑलरेडी आ चुका है। हम रेडी करते हैं तो भी नहीं जाएगा। ओके, तो ये मार्क आपके गाड़ी में 2 से 3 कंडीशंस में आता है। एक तो आपके वायरिंग का प्रॉब्लम होगा, जहाँ पे लूज कनेक्शन हो और उसके वजह से डिसकनेक्ट हो गए हैं सेंसर कंट्रोलर के थ्रू। सेकंड, आपका ओनली हॉल सेंसर बोर्ड ख़राब हो, हॉल सेंसर ख़राब होने के बाद में वो डिटेक्शन नहीं हो पाते हैं। सेकंड थिंग, इसमें ही आपका मोटर वाटर डैमेज है, तो उस कंडीशन में आप नए हॉल सेंसर लगाएंगे तो भी कुछ भी मतलब नहीं बनने वाला है, क्योंकि इसके कॉइल में जो वोल्टेज पास होता है कंट्रोलर के थ्रू, ये ग्राउंड हो जाता है बॉडी के साथ में और व्हीकल का पूरा चैसिस कंट्रोलर के साथ जुड़ा होता है मेटल केस के साइड में। सो ये आपका लीकेज करंट के वजह से वैसे भी नहीं चलेगा। आप देख सकते हो ये मोटर न्यू रिवाइंड किया हुआ है। पहले का एक शॉर्ट वीडियो निकाल के रखा है कि पहले इसकी कंडीशन कैसे थी मोटर की, सो वो भी मैं इस क्लिप के आगे जोड़ दूंगा साथ में ही, जस्ट देखने के लिए। और मेन बात ये है हॉल सेंसर बोर्ड के बारे में आज के इस वीडियो में, कि जैसे कि आप ये एक बोर्ड देख सकते हो, ये बोर्ड के ऊपर बहुत सारे डायोड्स, रजिस्टर और कैपेसिटर लगाए गए हैं हॉल सेंसर के साथ में। सो ये टाइप का बोर्ड कहीं पर भी मिल नहीं पाता है। इसके रिप्लेसमेंट में बहुत सारे सेंसर अलग अलग लगा के ट्राई किए हैं, लेकिन नहीं मैच हो पा रहे। ये स्टैंडर्ड है सब सारे हॉल सेंसर बोर्ड्स, ये हो गया, ये वाला हो गया, इनके नंबर कभी कभी ब्लाइंड रहते हैं और कभी कभी इनके ऊपर मार्किंग नंबर का होता है। सो मेरे पास में जो सेंसर ब्लाइंड नंबर के आते हैं हमारे मोटर्स को ऐड करने के लिए, जो हम लोग यहाँ पे बना रहे हैं मोटर्स, उसका भी वीडियो आने वाले वीडियो में नेक्स्ट हम लोग रिवील करेंगे। तो वही सेंसर मैंने यहाँ पे इस मोटर में एम्पियर मैग्नेस में लगाए हैं, तो ये मैच हो गए हैं और मोटर सही तरीके से चल भी रहा है। हालांकि आपको वायरिंग सीक्वेंस, ये जो ग्रीन, ब्लू और येलो है, आपके जो बोर्ड है मोटर में लगे हुए आपके गाड़ी के, उनको फॉलो करना होता है। उसी के साथ में हॉल सेंसर भी मैच होने बहुत ज़रूरी होते हैं। मल्टीपल हॉल सेंसर ट्राई करने के बाद में ये जो सेंसर है ये इसके साथ में मैच हो गए हैं। और अगर किसी को हॉल सेंसर चाहिए, हालांकि इसका नंबर मुझे भी नहीं पता है क्योंकि इसके ऊपर पूरा रफ किया हुआ है, तो ये हॉल सेंसर इंपोर्ट होके ही आते हैं, ऐसे यहाँ पे इंडिया में मिलना इसका मुश्किल है थोड़ा सा। सो हमारे पास ये सेंसर अवेलेबल है, आप चाहिए तो कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आपका मोटर का वाइंडिंग सही है और ओनली हॉल सेंसर यहाँ उड़े हुए हैं और उसका इंडिकेटर अगर आपके डिस्प्ले में दिखा रहा है, तो सबसे पहले आपको चेक करना है वायरिंग, उसी के बाद में ही हॉल सेंसर के लिए मोटर ओपन करना है। तो आज के वीडियो में इतना ही। मैं जस्ट हॉल सेंसर बोर्ड के बारे में इन्फॉर्मेशन देने के लिए ये वीडियो बनाया था, क्योंकि अभी रिसेंटली आफ्टर रेनी सीजन के बाद में बहुत से इश्यूज हॉल सेंसर बोर्ड के रिलेटेड मेरे एरिया में मुझे देखने के लिए मिले हैं, जिनकी कंप्लेंट्स हमारे पास रिपेयरिंग के लिए आई है। तो अगर ये वीडियो आप कहीं से भी देख रहे हो तो ये बोर्ड आप ऑर्डर कर सकते हो। इसका जो भी कॉन्टैक्ट का डिस्क्रिप्शन है वो मैं इस वीडियो के नीचे पोस्ट कर दूंगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।